अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। जैसे कि आपको पता, हफ्ते में एक ही छुट्टी होती है, संडे का दिन ही होता है। बाकी बंदा काम वगैरह पढ़ाई पढ़ाई के साथ होती है, संडे के एक दिन छुट्टी होती है। फिर हम सब दोस्तों ने प्लान बनाया कि ना संडे क्रिकेट के लिए भाई। फिर सुबह सुबह 6:30 उठे भी खेलेंगे। तकरीबन हमने तीन मैच खेले थे। पहले मैच में तो भाई हमें 47 स्कोर का टोकन मिला, जो कि यार बहुत ही मुश्किल था 4 ओवर, क्योंकि मैं एक बैटिंग करने वाला हूँ, एक अहमद है बस। उसके अलावा हमारी तरफ आया नहीं था कोई। पहले मैं गया, पहला मैंने क्या 17 स्कोर मुझे लगा। फिर अहमद गया, उसकी 12-13 लगा। फिर उसके बाद एक और अहमद गया, वो आप उसकी बॉलिंग देना यार, बड़ी अच्छी बॉलिंग की यार, उसको 8 स्कोर लगा। और जो साइड वाला यार था ना बॉलर, पता नहीं क्या हुआ यार, 20 स्कोर खा गया यार अकेला ही। समझ ही नहीं आया इतना स्कोर को पढ़ कैसे गया है। लेकिन फिर भी यार हमने फाइट की। लेकिन हम ये नहीं कि वन साइड मैच हारे, हमने भाई उनके साथ फाइट करके मैच जीत। 40 स्कोर का टारगेट था, हम 35-40 तक पहुँच गए थे। कोई नहीं यार, क्रिकेट है, क्रिकेट में ऐसा हो जाता है कि एक टीम ने जीतना ही, तो ये तो नहीं दोनों टीमों ने भाई जीतना है। एक टीम जीतती है जो उसकी जीत के मुकद्दर रहते हो। चलो यार गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर दबाना। जैसे आपको पता है कि मैच से पहले टॉस ज़रूरी होता है, उन्होंने टॉस ऐसे फेंका जैसे रोहित शर्मा फेंकते दूसरी पिच पे। आपको पता है हमेशा की तरह भाई आज भी टॉस हारे। उन्होंने पहले देखा कि पिच के हिसाब से कि भाई बैटिंग करना ठीक है, उन्होंने भाई बैटिंग की, हमें बॉलिंग दी। ये होगी डबल सिंगल और फंसी गए। कैच ले, है आउट सी ना, देखिया की क्या सीगा, आउट सी है, आउट सी गया जी नहीं। आ पीछे ना आइयो, आगे ना, सही है ना, तेज कराए नहीं रहा भाई। ये हमारे बिलाल भाई, इन्हों का डेब्यू हुआ था हमारी टीम में। इन्होंने डेब्यू में भाई पहली पहली बॉल पे आउट हुए हैं माशाल्लाह। फिर बाद में कहते मैंने नहीं खेलना। लेकिन आपको मेरे ब्लॉग में ज़्यादातर बिलाल भाई नज़र आया करेंगे, टेंशन ही लेनी। लेकिन आपको ना इनकी हम बैटिंग भी दिखाएंगे किसी दिन ना, कैसे बैटिंग करते हैं ये देखे। ये हल्का सा बॉलर था बच्चा बेचारा, उसको छक्का मार के बड़े खुश हो गए थे। बॉलिंग किया तो हमें 47 का टारगेट मिला है। इंशाल्लाह हम टीम वर्क करेंगे और इंशाल्लाह इसे जल्द चेज करेंगे। 99 बॉलिंग पे है, हमें स्ट्राइक पे है, और ये अहमद भाई का अल्लाह करे चौका हो जाए। लेकिन नहीं, फील्डर मौजूद है और मिस फील्ड, यहाँ एक बार पे दो रन आते हैं। और ये लो भाई जी, अरम साहब ओ नो अंपायर खलोते ने, आ देखो व्यूअर है, देखो भाई ए व्लॉगर साहब, व्लॉगर साहब, व्लॉगर भाई ओ खलोते ने पीछे, उन्होंने वारी नहीं दी अज, वारी लैन आया सी, रोन लग गया भाई जी। ओए भाई का जबरदस्त सिक्स, ये जो बल्ले से आवाज आई है हमें, झूठ बोल रहा है, नो 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 नो, आई एम टेलिंग यू, ऐसी 6 और आवाजें सुनने को मिलेंगी तो बहुत अच्छा होगा। छक्की के बाद अगली बॉल है और ये भी, मुझे लगता है अहमद भाई इस बॉल को खेलने के लिए थोड़ा सा कंफ्यूज थे और अपने प्लेयर से मशवरा कर रहे हैं कुछ। कहाँ लगा बम्बी पे ओवर के लास्ट बॉल है और इस लास्ट बॉल पे अहमद भाई से अर्ज करेंगे छक्का मारे। और ये वाइड बॉल, वाइड है, वाइड है, सही। हमजा भाई हमेशा ही जो है ना शॉट डालते हैं, इनको आता जाता कुछ भी नहीं है, किसी चीज का नहीं पता इनको, बस इनकी खापर देखा करें आप। ये लास्ट बॉल है ओवर की और ये जबरदस्त सिक्स, ऐसी आवाज सुनने का जी करता है कि ऐसी आवाज आती रहे कान में। चुप, बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हो तेरी मुंह खोलने की।
और शोल्डर का शोल्डर में इंजरी होगी इनके। हमजा भाई आ रहे हैं, ये पहले ही बच्चे को खतरनाक फुल टॉस। आपस में बातचीत करते हुए देखते हैं कि आप तकी क्या करते हैं इस ओवर में। हमजा भाई आ रहे हैं और ये जबरदस्त और फील्डर ने कैच छोड़ दिया और ये सिंगल ही आएगी इस बॉल पे। डबल बजी थी लेकिन अहमद भाई ने समझदारी का मुहिदा किया, एक सिंगल ही लिया। और ये दो रन मिलेंगे, दो रन। तो 5-6 मिनट हो गए ओवर इन का, बहुत खत्म हो रहा। तो ये वाइड बार जख्मी करेंगे आज, जख्मी। हमजा भाई गुस्से में है क्योंकि मैच आज हार रहे हैं, इसलिए बहुत गुस्से में लग रहे हैं, लेकिन अहमद भाई इनका गुस्सा बहुत जल्द ठंडा करेंगे। वाइड बॉल से लेकिन दो की कॉल है, पहुंच गए हैं बहुत अच्छे। देखते हैं कि ये क्या करता है आज। अहमद भाई भी हमेशा की तरह, आपने जैसे पिछले व्लॉगों में देखा होगा कि बीट ही करते हैं बॉल ज़्यादा, शॉट कम ही लगाते हैं, इसी तरह इसी मैच में भी आज भी भाई पहले ओवर में बस शॉट लगाए, इसके बाद दोबारा अपने उसी जगह पे आ गए थे बीट करने वाली। डबल नहीं, डबल नहीं, डबल डबल आया हो या ना, ना। ओए क्या बात है, पोला ब्रांड, पोला ब्रांड। आखिरी ओवर है और इस ओवर में 21 स्कोर चाहिए हमें जीतने के लिए। बॉल जा लग गया, दूसरी बोला, पहली बोला मेरे, डबल 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 डबल, पांच छह कर लो, पांच फोर बोले अहमद, 20 स्कोर चाहिए था, पांच बॉल था मेरा भाई, चार छक्के मारो नहीं मेरा भाई, वटा डबल ले ले, हार गए हम भाई, गुदर भी अब तीन छक्के पड़ेंगे। एंड ओवर से कितना लगा भला, 13 पर निभा रहे हैं, जीतेंगे ये टेबल नहीं है तेरे पास है भाई, मैच पहला मैच हम हार गए हैं, पहले भी 15 उसके बाद दो ओवर स्कोरिंग, पांच शॉट। जैसे आप लोगों को पता है बॉल पर टेप करना जरूरी है, अगर बॉल पर टेप ही ना होगी तो हम खेलेंगे कैसे, फिर आपका बैनर जल्दी टेप की और हम दूसरे मैच के लिए तैयार हो गए। आगे इनकी बातें सुने। गाइस पहला तो मैच हम हार चुके हैं बड़ी बुरी शिकस्त से। ये अहमद भाई आपका इस बारे में क्या कहना है, नहीं आपने, लेकिन आपका इस बारे में क्या कहना है? मेरा इस बारे में ये ख्याल है कि अहमद भाई को नहीं खेलना चाहिए यार। वैसे आप केजिंग में ना, आप 10 रन कम पड़े, आपके 10 रन आपने खाए थे, 10 रन ऐसे खाए हैं क्योंकि सारे धुक्के लगे हुए। हां ये तो है, हम सब रोदी पिए, मैंने वाइट जैकेट करवाया और हैपल भाई बहुत बड़े रोंदी हैं। हां वाइट यार्कर को खेला, वाइट जैकेट मैंने करवाया लेकिन उनके बैट बेसिकली वो वाइट थी, उन्हें खेलनी नहीं चाहिए। अच्छा गाइस मिलते हैं दूसरे मैच में, देखते हैं दूसरे मैच में क्या बनता है।